राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आदेश बाद कुछ दिन पहले प्रदेश स्तर पर पुलिस जवाबदेही कमेटी का गठन किया गया है, पर कोटा संभाग के सभी जिलों में पुलिस जवाबदेही कमेटी का गठन अब तक नहीं हुआ। कोटा संभाग के जिलों में भी पुलिस जवाबदेही कमेटी का गठन शीघ्र किए जाने की मांग को लेकर सोमवार को इंकलाब मोर्चा प्रमुख किशोरपुरा व्यापार संघ अध्यक्ष मोहम्मद हुसैन की अगुवाई में कोटा रेंज पुलिस महानिरीक्षक के नाम ज्ञापन दिया। हुसैन ने पुलिस महानिरीक्षक को इस विषय में संज्ञान लेकर कोटा संभाग के सभी जिलों में भी शीघ्र ही पुलिस जवाबदेही कमेटी का गठन कराने की मांग की है, ताकि संविधान की शपथ लेकर पालना नहीं करने वाले पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही तय हो सके और आमजन को थाने, एसपी ऑफिस, पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय के चक्कर लगाए बिना कोर्ट में इस्तगासा दायर किए बिना सरल सुलभ न्याय मिल सके। इस मौके पर अमर धमोनिया, इमरान खान, रामेश्वर वर्मा, भारत सिंह, शकील घोसी सहित इंकलाब मोर्चा के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इनको लेकर आप आए थे और क्या? पिछले कई वर्षों से राजस्थान में पुलिस जवाबदेही कमेटी का गठन करने के लिए मांग की जा रही थी। इस विषय में कोटा में भी पिछले 12 वर्षों में हमने कई बार ज्ञापन दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, जिनके आदेश के बाद 5 दिन पहले राजस्थान में पुलिस जवाबदेही कमेटी का गठन हुआ। स्टेट लेवल पे तो हो चुका। आज पुलिस महानिरीक्षक महोदय को ज्ञापन देकर के हमने मांग की है कि कोटा संभाग में जिले लेवल पे भी शीघ्र इस कमेटी का गठन हो, ताकि आम जन को जिन्हें थाने में एसपी ऑफिस जाने पर इंसाफ नहीं मिलता, वो अपनी शिकायत जो है पुलिस जवाबदेही कमेटी में करें, और ऐसे लोग जो संविधान की शपथ लेकर थाने में बैठकर असंवैधानिक काम करते हैं, ऐसे लोगों पे लगाम लग सके। किस तरह का आश्वासन दिया है साहब ने? कहा कि स्टेट लेवल पे कमेटी का गठन हो गया है, शीघ्र ही कोटा और कोटा संभाग के सभी जिलों में इस कमेटी का गठन किया जाएगा।